अधिक बुवाई क्षेत्र और उत्पादकता में सुधार की संभावना से इस साल सोयाबीन का उत्पादन 14% बढ़कर लगभग 119 लाख टन होने का अनुमान है। इंदौर स्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सोपा ने रविवार को जारी अपने अनुमान में कहा है कि वर्ष 2021 में सोयाबीन का कुल रकबा 119.984 लाख हेक्टेयर है। वहीं सरकार का क्षेत्रफल अनुमान 123.677 लाख हेक्टेयर का है। पिछले साल खरीफ सीजन में सोयाबीन का कुल रकबा 118.383 लाख हेक्टेयर था। सोपा ने कहा है कि वर्ष 2021 में पूरे भारत में सोयाबीन की फसल का अनुमानित कुल उत्पादन 118.889 लाख टन है, जो पिछले साल की तुलना में 14.337 लाख टन यानी कि 13.71% अधिक है। पिछले साल का उत्पादन 104.55 लाख टन था। एसोसिएशन का कहना है कि वर्ष 2021 के लिए औसत उपज 991 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनुमानित है, जबकि वर्ष 2020 के दौरान 883 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। सोयाबीन खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख तिलहन फसल है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के खरीफ विपणन सत्र के लिए सोयाबीन की MSP 3,950 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। MSP की यह दर पिछले सत्र के मुकाबले 70 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। वहीं बाजार के जानकारों के अनुसार अगर सोयाबीन की पैदावार ज़्यादा रही तो इसकी कीमतों पर और असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।